मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। चलो आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है और तुम उस कमरे में कंफर्टेबल हो, किसी भी चीज की जरूरत होगी मुझे बताना। श्योर आंटी, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक दी। थैंक यू। तो अपनी फेमस आलू की टिक्की बनाना। आपको पता है मेरी दी बहुत अच्छी आलू की टिक्की बनाती है। अच्छा? हाँ। मुझे तुम्हारी बहन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। तू आराम कर, मैं आती हूँ। हाँ? आओ जी। आओ। तुम्हारी एक क्लास उस दिन पेंडिंग रह गई थी खाना बनाने वाली, सो ये लो खाना बनाओ। योर फर्स्ट किचन। अश्लेषा, उसे पहली रसोई कहते हैं। ऐश, बात तो वही है। बड़े अरमानों से ये शादियां की थी, जल्दबाजी में इसे ही लेकिन शादियां हो गई। लेकिन फिर मुंह दिखाई की रस्म के बाद सबका मन खराब हो गया। हाँ, इस पीए ने तो सबके हार्ट ब्रेक कर दिए भाभी। पर ताई जी, इट्स ओके ना, अब शादियां जैसे भी होनी थी, जिसके साथ भी होनी थी, अब तो हो गई ना। पर अब तो हम सब एक फैमिली है ना, तो एक्सेप्ट करना तो बनता है। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। चलो अब पहली रसोई की रस्म के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। तुम तीनों को एक एक डिश बनानी है। अब दाई जी, दाई जी, मैं एक्चुअली छोटी बहू, लेटेस्ट वन, तो मैं एक की जगह दो डिश बनाऊं? जैसा तुम्हें ठीक लगे। थैंक यू। हाय प्रिटी लेडीज। टी, तुम एक मिनट के लिए बाहर होगी, मुझे तुमसे कुछ काम है। ओले, अपनी पत्नी को ऑल द बेस्ट करने आए हो। कर लो जी। So, कहो क्या बात करनी है? डी, एक्चुअली मुझे कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना है। तो? डी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है ना, तो? हाँ, तो? तो? अरे तुम्हारी इस घर में पहली रस्म है, पहली रसोई है, तो मैं यहाँ पे रहना चाहता था, तुम्हें सपोर्ट, तुम्हें हेल्प करना चाहता था, पर अब लगता है कि तुम नहीं रहोगे। I mean, थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, पर जाना पड़ेगा। यू नो, ये पहली रस्म, ये पहला रसोई और तुम्हारा इस तरह से अचानक चले जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ, ये क्या रिएक्शंस है? तुम्हें क्या लगा क्या कहूंगी मैं? ओ मेरे पति परमेश्वर, मत जाओ, रुक जाओ, साथ दो, मत दो, रहो ना रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंडप में भी तुमने यही किया था ना, सो फाइन, कीप इट अप। और हाँ, लंच से पहले नहीं आना चाहते या ना भी आना चाहते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत समझना कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो अब चलते हैं, बहुओं को बनाने दो उनकी पहली रसोई। हाँ भाई हाँ, चटपटा, लजीज और मजेदार खाना बनाना, नहीं तो अपना बनाया हुआ खाना तुम तीनों को ही खाना। भाई वाह, लाओ जी। बाय ताई जी। खड़ूस। ओके। सो टेल मी, क्या बना रहे हो तुम लोग? बॉसिज्म। बाय द वे, तुम तो एक से ज्यादा आइटम बना रही थी ना, क्योंकि तुम सबसे छोटी बहू, द लेटेस्ट वन। तो तुम बताओ, तुम एक से ज्यादा कौन सा आइटम बना रही थी? एक्सक्यूज मी, पहले मैंने पूछा है तो तुम बताओ। खैर छोड़ो, तुमसे कौन बात करना चाहता है? मिस पीए। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी मिसेस पीए। शादी जो कर लिया तुमने मेरे रक्षित से, है ना? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे पास पैसे वैसे तो थे नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी अडॉप्टेड माँ अच्छी खासी फैटी शैटी है। हाँ, तो तुम्हें अपने नाजुक हाथों से खाना बनाकर खिलाती होगी उन्हें, तो तुम्हें तो सब कुछ खाना बनाना आता होगा, है ना? वो क्या होता है ना, ऐसे घरों में पहले ही ट्रेनिंग दे देते हैं कि खाना कैसे बनाना है, घर कैसे संभालना है, फैमिली कैसे संभालनी है, तो तुम्हें तो सब कुछ आता होगा, राइट? दी, अच्छा तो यहाँ बैठी है द क्वीन महारानी पोते लेकर, चाय कौन बनाएगा? चाची, मैंने चाय बना दी है, अंदर किचन में ही रखी है। और खाना? खाना भी बना के किचन में रखा है। चाची, खाना बनाने में अभी टाइम है, मैं ये चैप्टर खत्म करके करती हूँ ना। आजकल ना चैप्टर नहीं, चैप्टर लड़कियों का जमाना है, और मैं तुझे ट्रेन से यहाँ घर स्कॉलर, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए लाई हूँ। चल चल किचन में, मेरा हाथ बटा, और कोई अपना हाथ तुझे उधार नहीं देगा, अपने हाथों से बना, चल। देखा चाची, आप भी खुश, मैं भी खुश, चले। हाँ, मुझे सब आता है बनाने। एग्जैक्टली माई पॉइंट। वो क्या होता है ना, ऐसे घरों में पढ़ाया वढ़ाया नहीं जाता,
लेकिन शादी से पहले घरेलू ट्रेनिंग जरूर दी जाती है। यू मिसेस वन, तुम्हें कैसे पता कि ऐसी ही ट्रेनिंग दी होगी? एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? बड़ी साइड ले रही हो तुम, उसकी बाहर भी ले रही थी। आखिर रिश्ता क्या है, तुम्हारी बहन लगती है क्या वो? नहीं, सवाल ही नहीं होता। और तुम्हें पूछ रही थी ना कौन क्या बनाएगा एंड ऑल दैट। वैसे तुम दोनों ना प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स की तरह बात कर रहे हो, मैं तुम लोगों से काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ। मैं कहती हूँ खाना वाना ऑर्डर करते पीछे वाले दरवाजे से बुलाते हैं। वाई टू कुक? नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। अमेजिंग, बनाओ बनाओ, अच्छे से खाना बनाओ। जस्ट एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो, हाय। पहले रसोई चल रही है, ऐसा लग रहा है कोई कुकिंग शो चल रहा हो टीवी का। साशनी, तुमने कभी कुकिंग करी है? हाँ हाँ, रोज ही तो करती हूँ मैं। और नॉनवेज डिशेस तो क्या बनाती हूँ मैं, दो डिशेस तो बहुत अच्छी बनाती। कौन सी वाली? बिच्छू मक्खन वाला और बिच्छू कीमा। खाएगा? इसकी सामग्री है प्याज, टमाटर, बहुत सारी हरी मिर्च और सबसे जरूरी एक बिच्छू। साचनी, साचनी आपने बुलाया और हम चले आए। अच्छा वो तुम आ गए, वरना मेरा नॉनवेज डिश बच जाता। बच गया रे बिच्छुआ, बच गया। ये सब छोड़ शिकू और चल अपडेट दे मुझे जल्दी। अरे मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। मैंने डी से कह दिया कि डी मैं तुम्हारी पहली रसोई में नहीं आऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरी कमी महसूस करे, फिर मुझे महसूस करे, फिर मेरे प्यार को महसूस करे, और उसके बाद वो महसूस करने के लायक ही ना रहे। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यार में वो इतनी पागल हो जाए ना कि मेरे इशारों पर नाचती रहे, तभी तो दूसरी वाली बहन का पता आसानी से चल जाएगा। वाओ शिकू, क्या प्लान है, कितना शानदार प्लान है। उसके बाद पता क्या हुआ, हम सबने ठंडाई पी ली और सबके सब फेंट हो गए। उसके बाद पता ही नहीं चला कि हम सबने क्या किया। सो क्या बना रही हो तुम? आलू टिक्की। वाओ, मेरी पसंद की है। जानती हूँ क्या कहा? थैंक्स। किस लिए? फुलवन्या ने मुझसे जो कुछ भी डाइनिंग टेबल पे कहा, तुमने मुझे सपोर्ट किया। और ओ हेलो, अभी कोई रिश्ता मत जोड़ने लग जाना, कोई फ्रेंड वेंड नहीं हूँ मैं तुम्हारी। वो लावर इस वर्ड से मुझे नफरत है इसलिए। और वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स हो ना हो, उसका कोई हक नहीं बनता सब बोलने का। हाँ, तेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। दृष्टि, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना ताकि खाना जल्दी बने। क्या ऐसे क्या घूर रही हो? जब विनय ने तुम्हें हायर किया था तो मैंने तुम्हारा बायोडाटा देखा था, मिस दृष्टि सूद, राइट? दिव्य, मैं तुझे बताना चाहती हूँ, मैं ही तेरी दृष्टि थी, पर अभी नहीं, लावण्या के सामने नहीं और ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा नाम दृष्टि है? हाँ, वो अभी अभी तुम दोनों मिले ना मेरे चाचा चाची से, मैं बहुत छोटी थी जब मैं उन्हें मिली थी और मुझे तो मेरा नाम भी ढंग से याद नहीं था, तो उन्होंने ही मेरा ये नाम रख दिया दृष्टि। क्यों? इसका मतलब ये मेरी दृष्टि ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। Excuse me, तुम दोनों की नामकरण सेरेमनी हो गई हो तो खाना भी बना ले। ये रेडीमेड खाना है, खाएगी? और जस्ट शट अप, मिर्ची लग गया। क्या? कुछ नहीं, मैं भी किसी दृष्टि नाम वाली को जानती हूँ जो मेरे बहुत क्लोज थी। एक मिनट के लगा शायद तुम वो, तुम तो हो ही नहीं सकती। अच्छा वो नमक पास कर दोगी प्लीज? सॉरी दीवी, मैं चाहती तो अभी बता देती वो मैं ही हूं, पर सही वक्त आने पर बताऊंगी कि तुझे जो लगा सही लगा, मैं वही हूं, तेरी दृष्टि थी। हल्दी भी पास कर दो प्लीज। मेरे पास दो हाथ है, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। वैसे दिव्या, तुम्हारी शादी तो हो चुकी है शिखर के साथ, तो तुम और शिखर एक साथ क्यों? होल्ड ऑन, एक्सक्यूज मी मिसेस पीए, तुम ऐसी चिट चैटिंग करती रहोगी तो खाना कौन बनाएगा?
ए, वो तेरी असिस्टेंट नहीं है, खुद जाके अपना खाना पकाओ। Just shut up. You shut up. और तुम मिसेस शेरगिल, तुम तो बहुत बड़ी शेरनी हो। मंडप पे इतना बड़ा कोहराम मचा दिया, दुल्हन की अदला बदली कर दी, मेरी शादी का जोड़ा चेंज कर दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया, यहाँ पे ये मिर्ची तड़के जा रही, तुमको जवाब देने नहीं होता है क्या? हे, अब शिको तू आ ही गया, तो जरा मदद कर देना मेरी प्लीज। हाँ, तो इसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? इसमें कैसे लगूंगी? प्लान क्या है और तुम सच दच के कहाँ जाने वाली हो? अरे मत पूछो, मैं ही पूछ पूछ के थक चुका हूँ, कुछ बताती ही नहीं। प्लान ये है कि मैं एक राज हूँ और इस राज को अभी राज ही रहने दे। और शिकू बेबी, तू वो कर जो तुझे कहा है, वैसे अब तक तो कर देना चाहिए था। कहा था ना मैंने तुझे अपनी धर्म पत्नी को मार जाके? मारा तूने? नहीं ना, अपनी ही मनमानी की। एनीवेज तू चल मार, मैं ही उसे मार दूंगी। क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ और जो नहीं बोलती वो भी करती हूँ। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन प्लान क्या है मुझे तो बताओ, मेरा तो हक बनता है। नहीं, ये हक की बात मुझसे तो मत कर शिक बेबी, क्योंकि मेरे सीने में एक राज दफन है और भूलना मत, वो राज तेरा ही राज है जो मेरे सीने में दफन है। इसलिए मेरे साथ ये जोरा जोरे नहीं है। वैसे भी दिल तो बड़ा है ही मेरा, मेरा काम तूने किया नहीं फिर भी जिंदा है ना। देख, तेरा काम मुझे करना पड़ रहा है और तू मेरे गले पड़ रहा है। मैं तो करूंगा ही, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे पता है तू उसकी जान नहीं ले सकता। तो अब जो काम मुझे करना है वो तो मुझे ही करना है। साची ये क्या किया?